हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अपनी पत्नी की रक्षा करने की शपथ ली है आपने, और अब आप वचन भंग, शपथ भंग करना चाहते हैं? कदाचित अयोध्या की परंपरा का, संस्कार का, तत्वों का विस्मरण हुआ है आपको? अयोध्या के सूर्यवंशी कुल में कोई शपथ भंग अथवा वचन भंग नहीं करता। प्राण जाए पर वचन न जाए। मुझे बातों में ना उलझाओ। बातें तो आपको करनी होंगी, क्योंकि सुहाग रात के अवसर पर पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम भरी बातें करते हैं। मैं केवल प्रभु से प्रेम करता हूँ। और मैं केवल आपसे प्यार करती हूँ। नारो, नारो प्रतिभा। तलवार उठाइए स्वामी और उड़ा दीजिए मेरी गर्दन, फिर आपको कोई दुविधा नहीं होगी, फिर आपको कोई शपथ भंग अथवा वचन भंग नहीं कहेगा। प्रभु, मैं जितना माया मोह से दूर जाना चाहता हूँ, उतना ही आप उन्हें मेरे पास भेज देते हैं। क्या चाहते हैं आप प्रभु? वो चाहते हैं कि वैवाहिक बंधन को स्वीकार कीजिए और उसे निभाइए। बैठिए महाराज, आसन ग्रहण कीजिए, हम इसके निद्रा से जागने का इंतजार करेंगे, और देखना जब ये उठेगा ना, तो सबसे पहले मुझे देखेगा और तुतलाए हुए बोलेगा, पितामह, पितामह। तू बोलता क्यों नहीं वत्स, मुझे पुकारता क्यों नहीं? महारानी, महारानी, आप होश में आइए, आप किससे बातें कर रही हैं? वो बच्चा जीवित नहीं है, मृत्यु के अधीन है महारानी। मृत्यु के अधीन? मृत्यु कौन होती है हमारे पौत्र को अपने अधीन करने वाली? महाराज, आप युद्ध के लिए रथ तैयार करने के आदेश दीजिए। आदेश दीजिए महाराज। युद्ध? मगर किसके साथ महारानी? यमराज के साथ, मृत्यु के साथ। पर ये खड्डा यहाँ हुआ कैसे राजकुमार? महाराज, खड्डा तो मैंने ही बनाया था। आपने? किस लिए? अपने मनोरंजन के लिए। हाँ, परंतु मेरे ही खोदे खड्डे में मैं ही आ गिरा। ऐसा होता है ना महाराज? तो ये सारा खेल आपका है? आप इसे खेल कहते हैं? खेल? हाँ, लीला, प्रभु की लीला ही तो माया मोह का खेल है। अपने पुत्र का लालन पालन करना पिता का कर्तव्य है, पुत्र पिता की ही लीला है। तुम फिर मुझे उलझा रही हो। मैं इस चक्रव्यूह से जितना बाहर निकलने का प्रयास कर रहा हूँ, उतना ही इसके अंदर फंसता जा रहा हूँ। Thank you.
अयोध्या प्रसन्न है महारानी। राजकुमार असमंजस के विवाह और महारानी सुमति के मां बनने के समाचार से अयोध्यावासी आनंदित है। इधर आइए ना, देखिए अयोध्यावासी कितने प्रसन्न हैं। जो स्वयं प्रसन्न हैं, उसे सभी प्रसन्न दिखाई देते हैं। तो क्या आप प्रसन्न नहीं हैं? आज आपका विवाह हुआ है। इसमें प्रसन्न होने की क्या बात है? विवाह एक माया जाल है। और सुहागरात? एक चक्रव्यूह जिसमें पांव रखने वाला फिर माया मोह के व्यू से बाहर आ ही नहीं सकता। आप इस चक्रव्यूह का भेदन नहीं करना चाहेंगे? नहीं। क्यों? सभी भोगों को भोगने के उपरांत भी जो निर्लिप्त रहता है वही तो महान योगी समझा जाता है। मैं महान योगी नहीं हूँ। तो फिर जन सामान्य की भांति अपनी पत्नी के साथ व्यवहार कीजिए, उसके साथ सुहागरात मनाइए। मेरी कोई पत्नी नहीं है। आज आपका विवाह हुआ है, विस्मरण तो नहीं हुआ ना आपको? विवाह मेरा नहीं, राजकुमारी प्रतिभा का हुआ है। मैं तो विवाह करना ही नहीं चाहता था। आपने अग्नि को साक्षी मानकर अपनी पत्नी को सब सुख देने का वचन दिया है। अपनी पत्नी की रक्षा करने की शपथ ली है आपने, और अब आप वचन भंग, शपथ भंग करना चाहते हैं? कदाचित अयोध्या की परंपरा का, संस्कार का, तत्वों का विस्मरण हुआ है आपको? अयोध्या के सूर्यवंशी कुल में कोई शपथ भंग अथवा वचन भंग नहीं करता। प्राण जाए पर वचन न जाए। मुझे बातों में ना उलझाओ। बातें तो आपको करनी होंगी, क्योंकि सुहाग रात के अवसर पर पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम भरी बातें करते हैं। मैं केवल प्रभु से प्रेम करता हूँ। और मैं केवल आपसे प्यार करती हूँ। मैं प्रभु की भक्ति करता हूँ। मैं आपकी भक्ति करती हूँ। मुझे प्रभु का ध्यान करने दो। मैं सदा आपका ध्यान करती हूँ। आप ही तो मेरे प्रभु हैं। क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? आपकी पत्नी जो हूँ। जाओ निद्रा देवी की आराधना करो। आज हम रति मदन की आराधना करेंगे, न कि निद्रा देवी की। आज हम रज जगा करेंगे। कदाचित आप जानते नहीं होंगे कि पुरुष स्त्री के बिना अधूरा होता है। आज रात मैं आपको एक पूर्ण पुरुष बना दूंगी। आगे मत बढ़ो प्रतिभा। सागर को मिलने की आंतरिक इच्छा, पर्वत की चोटी से गिरने वाली नदी को कोई रोक सकता है क्या स्वामी? स्वयं नदी भी अपने आप को नहीं रोक सकती, तो फिर मैं कैसे अपने आप को रोक सकूंगी? मुझे केवल आप रोक सकते हैं स्वामी। आइए रोकिए मुझे। हाँ मैं ही रोकूंगा तुम्हें। इसी भांति मैं अपने आप को माया मोह से दूर रखूंगा। समझ गई? रक्षा करो।
ना रो, ना रो प्रतिभा। तलवार उठाइए स्वामी और उड़ा दीजिए मेरी गर्दन, फिर आपको कोई दुविधा नहीं होगी, फिर आपको कोई शपथ भंग अथवा वचन भंग नहीं कहेगा। प्रभु, मैं जितना माया मोह से दूर जाना चाहता हूँ उतना ही आप उन्हें मेरे पास भेज देते हैं। क्या चाहते हैं आप प्रभु? वो चाहते हैं कि वैवाहिक बंधन को स्वीकार कीजिए और उसे निभाइए। आप बता सकते हैं स्वामी कि पत्नी को पत्नी क्यों कहा जाता है? जिस स्त्री के सामने पति का पतन होता है उस स्त्री को पत्नी कहा जाता है। हे कपिल मुनि, गंगा अवतरण की लीला आरंभ हो चुकी है। आपको इस लीला को संपन्न कराने का कारण बनना है। महर्षि, पहले लगता था जीवन प्रश्नों से भरा है, लेकिन अब उन प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। पुत्र असमंजस के कारण अयोध्या के उत्तराधिकारी का जो प्रश्न निर्माण हुआ था, अब सुमति के कारण उसका भी उत्तर मिल गया है। महर्षि, प्रश्न तो उत्पन्न होते ही रहते हैं और समय आने पर उनके उत्तर भी मिलते जाते हैं राजन। कभी कभी मनुष्य जिसे प्रश्न समझता है वो प्रश्न होता ही नहीं, फिर भी मनुष्य उसे प्रश्न समझकर उसका उत्तर पाने के प्रयत्नों में लगा रहता है। कभी कभी वो इस भ्रम में भी रहता है कि उसके प्रश्न का उत्तर उसे मिल गया है, परंतु उत्तर मिलता नहीं और प्रश्न गहन हो जाने के बाद ज्ञान होता है कि उत्तर तो मिला ही नहीं था। वत्सगर, क्या आपको पुत्र असमंजस के निर्माण किए हुए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिल गया है? आपने ऐसा प्रश्न क्यों किया महर्षि? पुनः प्रश्न। असमंजस का विवाह जब सफल होगा तभी हम समझेंगे कि हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। राजन, प्रश्न और उत्तर दोनों साथ साथ आए हैं। वत्स असमंजस, तुम्हारा विवाह सफल होगा तभी दोनों महारानियां और महाराज समझेंगे कि जीवन में निर्माण हुए सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। अब तुम बताओ कि तुम्हारा विवाह सफल हुआ है या नहीं। कदाचित इस प्रश्न का उत्तर अयोध्या की पुत्रवधु की कोख में पल रहा है। महर्षि, वत्स असमंजस, अपनी माता श्री को उत्तर दो। बोलो वत्स। पिताश्री, माताश्री, आप तीनों शीघ्र ही पितामही बनने वाले हैं। बहु, तुम मां बनने वाली हो। आज का दिन बड़ा आनंदमय है महर्षि, है ना सुमति? महर्षि,
सुमति मुझे पिता बना देगी और मेरे पुत्र और पुत्र पधु मुझे पितामह बना देंगे। ये महल पुत्र और पौत्र से भर जाएगा महर्षि। तथास्तु। परंतु महर्षि, हमारा पौत्र कैसा होगा? लक्षण बता रहे हैं कि आपका पौत्र योगी और योद्धा का अनोखा संगम होगा। महर्षि, मैं सुखों की वर्षा में भीग गया हूं। ऐसा लग रहा है कि इस पृथ्वी लोक पर मेरे जैसा सुखी प्राणी कोई नहीं होगा। नारायण नारायण नारायण। मैया, अयोध्या नरेश अपने आप को सुखी समझ रहा है, परंतु उसके पास खड़ी सुमति दुखी हुई है। ये तो सगर के ध्यान में आया ही नहीं। यही तो जीवन है महर्षि, यही तो मनुष्य के मन का खेल है। जब किसी को आनंद होता है तो कुछ लोग उसके आनंद के कारण दुखी हो जाते हैं। नारायण नारायण नारायण। ईर्ष्या, राग, द्वेष, मद, मत्सर, लोभ, ये तो पृथ्वी लोक के प्राणी की प्रकृति है। बहुत ही कम लोग इन विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, सगर भी विकाराधीन हुआ है मैया, जो अपने आप को सुखी समझ रहा है। कहाँ गया उसका विवेक? नारायण नारायण नारायण। मनुष्य की प्रवृत्ति ही स्खलित होने की है, इसीलिए तो उसका स्खलन होता है और बाद में पतन। ज्ञानी लोग प्रभु द्वारा बनाए सृष्टि का चक्र ध्यान में रखते हैं। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु के पश्चात वर्षा और वर्षा के बाद सर्दी की ऋतु आती है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। आशा निराशा, सुख दुख, उद्धार पतन, उदय अस्त, यश अपयश, इसी से तो मानव जीवन भरा हुआ है। जो ये जानता है वो न अपने आप को सुखी समझता है न दुखी। वो जानता है कि जीवन एक झूला है, जो कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे आता है। नारायण नारायण। अर्थात सगर का झूला इस समय ऊपर जा रहा है और समय आने पर वो झूला नीचे भी आएगा, यही ना मैया? नारायण नारायण नारायण। प्रभु की लीला अगाध है।
बहुरानी। हाँ हाँ बहुरानी, ले लो ये खीर, विशेष तुम्हारी गोद भराई के अवसर के लिए बनाई गई है। स्वादिष्ट थी। भगवान कपिल आ रहे हैं, मैं उनके स्वागत के लिए और उनके दर्शनों के लिए उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। प्रतिभा से कहो मुझे भगवान कपिल के दर्शन करने दें, मुझे माया मोह की भूल भुलैयों में नहीं फंसना है। हाँ जाओ। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ प्रतिभा, तुम ठीक तो हो? भयंकर 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 दर्द हो रहा है पेट में। हे भगवान, अपने आप पर काबू रखो। ऐसा लग रहा है जैसे पेट में आग भड़क रही है। हाय मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। नहीं, क्या हुआ, क्यों चीखी तुम? खून, खून। दासी राजवैद को लेकर आओ शीघ्र। नारायण नारायण नारायण। मैया मुझे तो कलयुग की आहट लगने लगी है, इतना बड़ा पाप। नारायण नारायण नारायण। पापी को पाप का दंड मिलेगा देवऋषि, और उसे ये भी ज्ञान हो जाएगा कि जो मानव चाहता है वो नहीं होता, होता वो है जो प्रभु चाहते हैं। तो क्या सगर केशनी की पुत्र वधु का गर्भपात नहीं होगा मैया? देवऋषि क्यों प्रश्नों में उलझते हो, प्रभु क्या लीला कर रहे हैं देखो और उसका आनंद लो। नारायण नारायण नारायण। राजवैद्य जी, घबराने से कुछ नहीं होने वाला महारानी। पहले भय था आपकी पुत्र वधु के गर्भपात का, और अब गर्भपात के स्थान पर आपकी पुत्र वधु समय से पूर्व ही प्रसूति देने जा रही है। प्रणाम महर्षि। कल्याण मस्तु। प्रणाम भगवान कपिल, आपके दर्शन से मैं धन्य हुआ भगवान। राजकुमार असमंजस जो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है उस पर कभी ईश्वर की कृपा दृष्टि नहीं होती।
मेरे जीवन का कर्तव्य ईश्वर भक्ति और ईश्वर आराधना है भगवान, और मैं कभी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुआ हूँ। और गृहस्थाश्रम का कर्तव्य, क्या गृहस्थ धर्म का पालन करना आपका कर्तव्य नहीं है? अपनी पत्नी के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है आपका? राजकुमार, आपने अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाया और राजभवन में कुछ अशुभ हुआ तो? भगवान, जिस भवन में आप जैसी दिव्य विभूति के चरण पड़ जाएं, वहां कुछ अशुभ कैसे हो सकता है? जो भी होगा शुभ ही होगा, और मैंने अपना कर्तव्य निभाया है भगवान। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, वो प्रतीक्षा मेरे लिए किसी तपस्या से कम नहीं थी भगवान। आपके आने से मेरी तपस्या सफल हुई है भगवान, अब तो राजभवन में कुछ भी अशुभ नहीं होगा और मेरी पत्नी पर तो कदाचित कुछ भी अशुभ नहीं। अब तो आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखेंगे भगवान। क्षमा कीजिए भगवान कपिल, आपकी बातें मेरी समझ से बाहर है। राजकुमार असमंजस किस अशुभ की बात कर रहे हैं? पिताश्री, आपकी पुत्रवधु को सहसा पेट में वेदना होने लगी है, बहुत खून बह गया है। राजवैद्य का कहना है कि... बोलो, रुक क्यों गए? राजवैद्य का कहना है कि गर्भपात का संकट निर्माण हुआ है। बच्चा हो गया? ऐसे कैसे? बच्चा पैदा हुआ लेकिन उसके रोने की आवाज तो सुनी ही नहीं। महारानी, बच्चा जीवित नहीं है। नहीं! राजवैद, आप? बैठिए महाराज, आसन ग्रहण कीजिए, हम इसके निद्रा से जागने का इंतजार करेंगे और देखना जब ये उठेगा ना तो सबसे पहले मुझे देखेगा और तुतलाए हुए बोलेगा, पितामह, पितामह। तू बोलता क्यों नहीं वत्स? मुझे पुकारता क्यों नहीं? महारानी, महारानी, आप होश में आई? आप किससे बातें कर रही हैं? वो बच्चा जीवित नहीं है, मृत्यु के अधीन है महारानी। मृत्यु के अधीन? मृत्यु कौन होती है हमारे पौत्र को अपने अधीन करने वाली? महाराज,
आप युद्ध के लिए रथ तैयार करने के आदेश दीजिए। आदेश दीजिए महाराज। युद्ध? मगर किसके साथ महारानी? यमराज के साथ, मृत्यु के साथ। हम अपने शौर्य और बाहुबल पर अपने पौत्र के प्राण मृत्यु से वापस लेकर आएंगे, और यदि मृत्यु ने हमारे पौत्र के प्राण वापस नहीं किए तो हम मृत्यु को ही मृत्यु दे देंगे। चलिए महाराज, आज या तो मृत्यु मेरे प्राण ले लेगी, नहीं तो उसे हमारे पौत्र के प्राण वापस करने होंगे। कभी किसी का बुरा नहीं किया, न किसी का बुरा सोचा, तो फिर हमारे साथ ये अन्याय क्यों? नहीं, हम ये सहन नहीं करेंगे। महारानी आप? मैं पितामही बन गई तो क्या महाराज? आज भी मेरे बाणों में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े शत्रु को घायल कर सकते हैं। नारायण नारायण नारायण। आज हम परमेश्वर को भी दिखा देंगे कि हम भी प्रलय मचा सकते हैं। उठाइए हमारे पौत्र को महाराज, आज हम देखेंगे किस में कितना है बल। चलिए महारानी। भगवान, आप सांख्य योग के प्रवक्ता हैं, आप ही के योग के अनुसार 24 तत्वों से बनी हुई निर्मिति आप ही के चरणों में पड़ी है। भगवान, आप ही के चरणों में पड़ी है। यह शरीर निर्जीव है, आप अपने योग्य सामर्थ्य से इस निर्जीव शरीर में प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। 24 तत्वों से बनी इस प्रकृति में अशरीर पुरुष को प्रवेश करने की आज्ञा कीजिए। भगवान, हमें उपकृत कीजिए। भगवान, हमें अनुग्रहित कीजिए। हमें अनुग्रहित कीजिए भगवान। क्षमा कीजिए भगवान, शोकाकुल होकर साक्षात परमेश्वर को चुनौती देने का जो दुस्साहस मैंने किया है उसके लिए क्षमा कर दीजिए। मैंने जो अपराध किया है उसका दंड चाहे मुझे दीजिए, किंतु हमारे पौत्र को जीवित कर दीजिए भगवान, जीवित कर दीजिए। हे महादेव, आपने कहा है
कि सगर और केशनी के पुत्र पौत्र द्वारा ही देवी गंगा का पृथ्वी पर अवतरण होगा। इस समय तो निर्जीव पौत्र के कारण गंगा अवतरण का मूल ही संकट में आ गया है। हे महादेवी, इस संकट को दूर करने हेतु ही तो महर्षि वशिष्ठ भगवान कपिल को अयोध्या लेकर आए हैं। अर्थात तो सांख्य योग का प्रयोग होगा। हे देवताओं, प्रकृति के 24 तत्वों को एकत्रित करके बने इस शरीर में अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। अविश्वसनीय, ऐसा ना कभी सुना न देखा। मृत बच्चा जीवित कर दिया कपिल मुनि ने। हमने क्या चाहा और क्या हुआ? क्या अब अंशुमन अयोध्या का उत्तराधिकारी बनेगा? नहीं, कदापि नहीं। मेरा यहां अयोध्या में आने का उद्देश्य हमें सार्थक बनाना होगा। मानसी, आप आदेश दे महाराज। ये दासी आप कोई है? सहायता करो, कोई है? मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरी सहायता करो, कोई है? कोई है महाराज? राजकुमार असमंजस नीचे गिर गए हैं और सहायता के लिए पुकार रहे हैं। महाराज गुणवर्धन, आप सुन रहे हैं ना? मैं यहाँ खड्डे में गिर गया हूँ, मुझे बाहर निकालो। हाँ।
राजकुमार असमंजस, ये सब क्या है? अब आप एक पुत्र के पिता बन गए हैं, आपका ध्यान कहाँ था जो आप खड्डे में गिर गए? मेरा ध्यान खड्डे पर ही था। फिर भी आप खड्डे में गिर गए? पर ये खड्डा यहाँ हुआ कैसे राजकुमार? महाराज, खड्डा तो मैंने ही बनाया था। आपने? किस लिए? अपने मनोरंजन के लिए। हाँ, परंतु मेरे ही खोदे खड्डे में मैं ही आ गिरा। ऐसा होता है ना महाराज? हम दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं और स्वयं ही उस खड्डे में गिर जाते हैं। आप मेरी बातों से सहमत हैं ना महाराज? हाँ? होता है, ऐसा ही होता है। महाराज, असमंजस के बोलने का अर्थ क्या था? मैं कुछ समझा नहीं मानसी। महाराज, आपको संबोधित क्यों किया राजकुमार ने? कभी कभी बहुत ही गूढ़ बातें करता है वो। अंशुमन, तुम भी बोलो पुत्र। ओ ओ राजपुत्र, अपने पिताश्री को तो देखो। अच्छा अच्छा, आप अपने पिताश्री से बात नहीं करेंगे? ओह, तो आप ये चाहते हैं कि पिताश्री आपको उठाएं, आपसे बातें करें? ऐसा संभव नहीं है। अरे अरे, रोते क्यों हो? बोला ना, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपके पिताश्री आपके निकट कभी आए ही नहीं। वो आपको मोह माया मानते हैं, इसीलिए आपके जन्म के एक वर्ष पश्चात भी वो आपसे दूर रहना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई लाभ नहीं, वो आपकी भाषा समझते ही नहीं। क्या आपको विश्वास है वो आपकी भाषा जान जाएंगे? ठीक है ठीक है, मैं कौन होती हूँ पिता और पुत्र के बीच आने वाली? आप कहते हैं तो ये लीजिए, आप अपने पिताश्री के साथ रहिए, मैं आपके लिए खीर लेकर आती हूँ। बहुरानी, अंशुमन रो रहा है। दासी, अंशुमन रो नहीं रहा, वो तो अपने पिताश्री को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहा है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उसके पिता परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ध्यान लगाए बैठे हैं। अब देखना है अंशुमन को उसकी तपस्या का फल मिलता है या नहीं।
पुत्र, माया मोह की चक्रव्यूह की तुम वो कड़ी हो जिसे मैं भी तोड़ नहीं सकता। आओ। ये क्या, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। अच्छे बच्चे रोते नहीं। अच्छा, तो आप अपनी माताश्री पर अप्रसन्न हैं। उन्होंने आपको यहाँ छोड़ दिया इसलिए आप अपनी माताश्री से बात मत करना, ठीक है? हम भी नहीं करेंगे। बहुरानी, राजपुत्र अंशुमन की तपस्या सफल हुई। ये क्या देख रही हूँ मैं? आप और तो क्या आप सचमुच अंशुमन की भाषा जानते हैं? तो ये सारा खेल आपका है? आप इसे खेल कहते हैं? खेल? हाँ, लीला। प्रभु की लीला ही तो माया मोह का खेल है। अपने पुत्र का लालन पालन करना पिता का कर्तव्य है। पुत्र पिता की ही लीला है। तुम फिर मुझे उलझा रही हो। मैं इस चक्रव्यूह से जितना बाहर निकलने का प्रयास कर रहा हूँ उतना ही इसके अंदर फंसता जा रहा हूँ। मुझे ईश्वर की आराधना करने दो। कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ ने भगवान कपिल की उपस्थिति में जो कहा कदाचित आप भूल गए हैं। हमारे पुत्र अंशुमन के माध्यम से हमारे यहाँ जन्म लिया है और आप भगवान की आराधना की बात कर रहे हैं। अपने पुत्र को पिता का स्नेह दीजिए, यही भगवान की आराधना होगी।